तो हमें यहाँ पर गिवन है कि एंगल ए ओ बी 60 है, ओ ए 14 सेंटीमीटर है और ये ओ बी बी सर्कल का रेडियस है, ये भी 14 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, यानी हमें ये एरिया निकालना है। अब ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, अगर हम इस पूरे सेक्टर ओ ए बी के एरिया में से इस ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा इस सेगमेंट का। तो निकालते हैं, पहले हम इस सेक्टर ओ ए पी बी का एरिया निकालते हैं। तो हमें पता है थीटा है हमारा 60 डिग्री, रेडियस है 14 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 60 और 14 और पाई की, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर एज दिस 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो अगर हम नोटिस करें तो हमें यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए चाहिए होता है बेस और हाइट, और हमें दोनों ही नहीं गिवन है। तो ये है इसका बेस और हम हाइट एक ड्रॉ करते हैं यहाँ से मीडियन, तो हमें दोनों ही नहीं गिवन, तो हम निकालते हैं इसे। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से लेकर ए बी पर, एम ओ एम कुछ ऐसा। तो ये ओ एम यहाँ से परपेंडिकुलर है और ये एम ए बी को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एम इक्वल हो जाएगा एम बी के। ओके, और ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमें चाहिए इस ए एम की वैल्यू, तो अगर हम ए एम को डबल कर देंगे तो हमें पूरा ए बी बेस मिल जाएगा, और हमें ओ एम की वैल्यू चाहिए तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये वैल्यूज निकालने के लिए। तो इसे लिख लेते हैं। ओके, अब हम ट्राइंगल लेंगे ओ एम ए, तो ये एंगल है 30 डिग्री, ये हमें गिवन है, हमें चाहिए इस ए एम की वैल्यू, तो हम रेशियो यूज़ करेंगे साइन का, बिकॉज हमें चाहिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटन्यूज का रेशियो। हाइपोटन्यूज हमें गिवन है, ऑपोजिट हमें चाहिए ए एम, तो हम साइन का रेशियो यूज़ करने वाले हैं। तो साइन 30 हो जाएगा ए एम बाई ए ओ, ए एम हमें निकालना है, ए ओ की जगह 14 पुट करेंगे और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा ए एम एज 7। सिमिलरली अब दूसरे ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, हमें चाहिए ओ एम, अब हमें ये पता है तो हम कॉस का रेशियो यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉस हमें रिलेशनशिप देगा एडजेसेंट यानी ओ एम अपॉन हाइपोटन्यूज ओ बी, तो हमें मिल जाएगा कॉस 30 ओ एम अपॉन ओ बी या ए ओ, एक ही बात है बिकॉज दोनों 14 सेंटीमीटर ही है। ओके, तो ओ एम हमें नहीं पता, ए ओ बी 14 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ओ एम मिल जाएगा 7√3। तो हमें ओ एम मिल गया 7√3, ए एम मिल गया 7, तो ये भी 7 है बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, एम बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो हमें ए बी मिल गया 14। तो अब हम ट्राइंगल के एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बेस भी मिल गया और हाइट भी मिल गई, तो निकाल लेते हैं। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हमने निकाला एज 14 और ओ एम है 7√3, रूट थ्री की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल का एरिया। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 17.9 सेंटीमीटर स्क्वायर।